रोज भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता टेलीविजन पर झूठ बोलता है। आप विश्वमन करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर सिर्फ सत्ता चाहते हैं, उतना तो ठीक है साहब, 2012 में भी आपने सरकार स्थानीय निकाय की नागपुर में मुस्लिम लीग के साथ बनाई, जब मातांगी हाजरा वंदे मातरम का उद्घोष 1942 में कर रही थी और 5-5 गोलियां तामलुक जिले में बंगाल में खाई, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ सरकार में बंगाल की ये प्रस्ताव दे रहे थे कि आजादी के आंदोलन को 1942 की कैसे कुचलना है। क्या ये सही नहीं है कि सैफुल्ला फारूक दुर्दांत आतंकवादी कश्मीर का, कश्मीरी पंडितों का हत्यारा, जिसको सजा हुई 10 साल की, उसको आपने कश्मीर में वार्ड नंबर 33 से टिकट दी। रियाज अटारी जिसने कन्हैया लाल की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। उनको लाने के लिए वो पूजा कर रहे हैं हर जगह, उनको लाने के लिए वो आरती कर रहे हैं हर जगह। देखिए वो तो उनका छद्म रूप है, वो तो ये पुजारी तपस्वी, तो अब बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि खुद राहुल गांधी भी तो पूजा करने जाते हैं, उन्हीं पुजारियों से पूजा कराते हैं, पुजारियों का देश नहीं है, कहने की जरूरत क्या थी। कुरुक्षेत्र पहुंचे तो आरएसएस कौरव लगने लगे। अंजना जी, कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि से राहुल गांधी जी ने इस अहंकारी सत्ता को चुनौती दी है और सनातन भारत का इतिहास साक्षी है। अहंकार में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश, न मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। राहुल गांधी जी भी अंतिम प्रस्ताव लेकर भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले हैं 3,500 किलोमीटर की। राहुल गांधी जी के भी 5 प्रस्ताव हैं इन कौरवों की अहंकारी सत्ता के लिए। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक उन्माद को ये सत्ता बंद कर दे। उन्होंने कहा कि आकंठ बेरोजगारी में डूबे हुए युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित कर दे। उन्होंने कहा कि देश को महंगाई से निजात दिलाए। उन्होंने कहा कि धन्ना सेठों की अकूत संपत्ति और संसाधन जो सत्ता जुटा रही है उसको बंद कर दे। संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बंद कर दे। ये 5 प्रस्ताव राहुल गांधी जी ने भी दिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर अभी तक। उन्हीं पुजारियों से तो पूजा कराते हैं, तो पुजारियों का देश नहीं है मतलब क्या? और पुजारी बीजेपी वाले हैं, हम तपस्वी हैं, मतलब क्या? राहुल गांधी जी का भावार्थ और उनके आगे के वक्तव्यों को सुनिए ध्यान से कि ये खुद की पूजा कराने की कुचेष्टा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, या आत्म पूजन की बात करते हैं। और तपस्या क्या है? तपबल ते जग सुजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता, तपबल शंभु करी संधारा, तपबल ते अगम न कुछ संसारा। अर्थात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से सृष्टि की रचना की। राहुल गांधी जी ये कहना चाहते हैं, वो कहते हैं भगवान विष्णु ने पालन किया, भगवान शंकर ने संहार किया, और तपस्या से ऐसी कोई चीज नहीं है जो हासिल नहीं की जा सकती। और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति पूजा में और सत्ता की पूजा में लगी रहती है, इसलिए राहुल गांधी जी को ये कहना पड़ा। ये हर हर महादेव वाला सर, ये हर हर महादेव वाला, क्योंकि हमने सुना दिया प्रधानमंत्री जब जब काशी जाते हैं तो हर हर महादेव से ही शुरू करते हैं। अरे ये तो सत्ता की सीढ़ी धर्म इनके लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। राहुल गांधी जी ने कभी धर्म को सत्ता के सीढ़ी के संदर्भित विषय पर प्रयुक्त नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जहां तक कौरव और पांडव की बात है तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है आज देश की जनता को कि महाभारत के लिए कौरवों का सबसे बड़ा करेक्टर दुर्योधन का परिलक्षण कहां पर होता है, रिफ्लेक्शन किस में दिखाई पड़ता है, बहुत साफ दिखता है। लेकिन राहुल गांधी का मतलब और अर्थ यही है जो समझ में आ रहा है कि अच्छाई और बुराई का वो जिक्र कर रहे हैं, कि जो परेशानियां हो रही है देश में, नफरत की बात वो कर रहे हैं, वो सब वो सीधा भेज रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के खाते में, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोग हैं जो तप करके, जो वो तप कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, इस ठंड में, उसके जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं। जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं जनाब, 100 वर्षों से आपका तप देख रहे हैं और 100 वर्षों से हमारा संघ का तप देखिए। मोतीलाल नेहरू जी का जलवाए जलाल, ये 2023 है ना, 1923 में, यह बात तो राशिद किदवई जी को भी पता होगी, नाभा की जेल में नेहरू जी गए तो उनके लिए फल, अच्छा खाना, खानसामा, कपड़ा, सबकी व्यवस्था की गई। फिर राजीव गांधी जी के जमाने में कितना बढ़िया तप था कि यहां से कॉर्बेट नेशनल पार्क तक वो गाड़ी ड्राइव करने का शौक था, और यही महान तपस्वी अभी कुछ दिन पहले तक तो हर 6 महीने के बाद छुट्टी मनाने विदेश में जाते थे। जनाब इतनी जल्दी जनता नहीं भूलती, ये इतना आसान नहीं है। तपस्या वो है जो 100 वर्षों से संग ने करके दिखाई। अच्छा
संगीत रागी जी को ध्यान होगा, संघ का एक गीत था जो हम लोगों ने बचपन में गाया है, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, उसकी एक पंक्ति थी। चाहे नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद से मुकाबला हो, कश्मीर में मुकाबला हो, नक्सलियों से मुकाबला हो, क्रिश्चियन मिशनरीज की मुकाबला हो, प्राणों की आहुति देके किया, अन्यथा तो आज भारत का सारा ट्राइबल समाज कन्वर्ट हो गया होता, क्या क्या नहीं हो गया होता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान से लेके आज तक तपस्वियों की परंपरा हमारी तरफ है, और बाकी युवराज बिगड़ा हुआ जिसे सत्ता चाहिए वो आपकी तरफ। जरा ये बताइए रागी जी पहले से हंस रहे हैं। नहीं, जो आखिरी लाइन थी उसकी, उन्होंने कहा कि हमने तो जलना सीखा है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि आपने जलाना शुरू कर दिया है। देखिए, वो कहते हैं देश में धर्म के आधार पर आप लोगों को झोंक रहे हैं। देखिए, आपने हमसे सबसे पहले पूछा क्यों आप हंस रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मुझे लगता है जब राहुल गांधी जब उनका सुनते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, तो मुझे लगता है राहुल गांधी इज ए कंप्लीट सिनेमा जिसमें फुल इंटरटेनमेंट 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 उनके लिए, यदि कोई एक वाक्य उनके लिए दिया जाए, टैगलाइन दिया जाए, तो राहुल गांधी फुल इंटरटेनमेंट है अपने आप में। राहुल गांधी पर यदि आप गंभीरता से बहस करेंगे तो आप बहस को गिरा देते हैं। राशिद जी, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और कांग्रेस पार्टी को इतने करीब से समझने के आधार पर एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या वाकई राहुल गांधी को फायदा हो रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा से? क्या उनकी शख्सियत, उनके इमेज में, छवि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है? हमने बीते दिन भी सुना शरद पवार ने कहा कि वो विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो सकते हैं, फायदा या नुकसान? अंजना जी, देखिए, फायदा या नुकसान ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन एक बात है जो गांधी जी की तरफ से एक कथन कहा जाता है कि कभी कभी हम अपने विरोधियों के कारण आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने अपने जो व्यक्तित्व दे रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं, उससे एक तरीके से खलबली मची हुई है। आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि पुजारी कौन और तपस्वी कौन, यही मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक उपलब्धि है। कि फायदा नुकसान तो बाद में होगा, मुझे लगता है ये जो खलबली बची है, ये अंजना जी मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी के एक सियासी तौर पर एक उपलब्धि है। ये खलबली ही उनकी उपलब्धि है, इस पर सुधांशु जी छोटा सा एक लाइन का सर। देखिए, खलबली नहीं है, राहुल गांधी रोज मजाक के विषय बनते जा रहे हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन जो उनके जो प्रवक्ताओं की जो चाटुकार परंपरा है, उनको ये समझ में नहीं बात आ रही है कि देश की जनता जो है, नेता की कोई प्रशंसा करेगा तो चाटुकार हो गया। आप नहीं कर रहे हैं या सुधांशु जी नहीं कर रहे हैं? मैं मानता हूँ ये उन भाई कैसी लगी आगे स्वाद की मजबूरी है। मैं बिल्कुल नहीं कही है ना, शब्दों को मैंने समझ के मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन जो पार्टी के लिए बोलेंगे, नहीं नहीं ठीक है। हाँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं अपनी बात कह दूं बहुत जल्दी से अपनी बात कह दूं, राहुल गांधी जब जब मुंह खोलते हैं तब तक वो मजाक के विषय बन जाते हैं। यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तब भी कोई ऐसी गंभीर बात नहीं करेंगे। जब आपने देखा कि अपने आप शिव जी को पढ़िए, अरे भाई, यानी मुझे लगता है राहुल गांधी वेद पुराण उपनिषद पढ़ करके बैठे हुए हैं क्या? इनसे हिंदू धर्म आदमी सीखेगा? वो उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं बड़ा गंभीर बातें कर रहे हैं, लेकिन वो हंसी के पात्र होते हैं। बीजेपी की खलबली ही उनकी उपलब्धि है, इस पर आपका जवाब? अंजना जी, जहां तक खलबली की बात कही राशि जी, तो मैं राहुल गांधी जी की बात का समर्थन करना चाहता हूँ। सही कहा उन्होंने, देश पुजारियों का देश नहीं है, कांग्रेस की नजर में पुजारियों का देश नहीं है, जॉर्ज पुनिया जैसे पादरियों का देश है, कांग्रेस की नजर में देश मौलवियों का देश है, पुजारियों का नहीं है। क्योंकि मौलवियों को क्या मिलता है? मदरसे भी मिलेंगे, वक्फ बोर्ड भी मिलेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मिलेगा, सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलेगी, इसके अलावा जरूरत पड़ने पे तो शरीयत की पनाह मिलेगी, और पुजारियों को ठेंगा मिलेगा। हाँ बेटा, लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। अंजना जी, समूचे देश को आपके शो के माध्यम से ये बात बता दूं, रोज भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता टेलीविजन पर झूठ बोलता है, इतिहास साक्षी है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने यह प्रावधान किया था, देश के समूचे शासकीय संधारित मंदिरों के लिए मंदिरों के पुजारियों को न सिर्फ मानदेय मिलता था, कई एकड़ जमीन मंदिर के साथ उनके परिवार के भरण पोषण के लिए दी जाती थी, जो आज भी मौजूद है। और सारे कांग्रेस शासित प्रदेशों ने उन पुजारियों का मानदेय 3-3 गुना बढ़ा दिया। आपने दशकों से जो कांग्रेस पार्टी के समय छोड़ा गया था, वही मानदेय पर गुजारा आज भी पुजारी कर रहे हैं, और सिर्फ मोदियों का प्रलाप यहाँ पर आप आलापते हैं। क्या है राम राज्य की अवधारणा जिस पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी चल रहे हैं?
जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। भगवान प्रभु श्री राम के मूल मंत्र क्या थे उस कुल के? वचन की मर्यादा और न्याय। आप रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग करते हैं और न्याय जिसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। आप मंदिर का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा था हम राम राज्य के न्याय की मर्यादा के साथ खड़े हैं, जब भी न्यायालय फैसला देगी हम उसको आत्मसात करेंगे। आपने क्या कहा देश को? आपने 90 के दशक में कहा कि हमें सत्ता दे दीजिए, कोई न्यायालय राम जी के मंदिर की आस्था का फैसला नहीं कर सकती, सत्ता दो मंदिर दे देंगे। जब सत्ता दी तो कहा गठबंधन की मजबूरियां हैं, पूर्ण बहुमत दीजिए। आज मंदिर कैसे बना? आज मंदिर न्यायालय के निर्णय से बना। क्या भूल गए 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी तमिलनाडु गए थे और तमिलनाडु की सभा में कहा कि मैं अन्ना दुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, सेतु समुद्रम परियोजना अर्थात राम सेतु तोड़कर रहूंगा। आज राम सेतु को भी आपने नकार दिया। तो आपके छद्म वेश धारण मत करना बंद कर दीजिए। आप विश्वमन करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर सिर्फ सत्ता चाहते हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पूछना चाहता हूँ, बड़े आपने गान की बात की, एक 10 सेकंड, आपने बड़े बड़े गान की बात की, मैं चुनौती देता हूँ 1947 के पहले वंदे मातरम का उद्घोष आपके कंठ में होता तो आप बर्तानिया की जेल में होते। जब मातांगी हाजरा वंदे मातरम का उद्घोष 1942 में कर रही थी और 5-5 गोलियां तामलुक जिले में बंगाल में खाई, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ सरकार में बंगाल की ये प्रस्ताव दे रहे थे कि आजादी के आंदोलन को 1942 की कैसे कुचलना है। वीर सावरकर सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मुस्लिम लीग के साथ साझा सरकार चला रहे थे और वहां प्रस्ताव पारित हुआ अलग पाकिस्तान बनाने का। पाकिस्तान का प्रस्ताव जिन लोगों ने पढ़ा उनके साथ भी आपने सत्ता चलाई। हमें अब इस बात का आप उदाहरण मत प्रस्तुत करिए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि सभी संस्थाओं सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रति मेरी आस्था है, लेकिन वो रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो प्रशस्त मार्ग देना चाहते हैं। आप उनकी आलोचना जितनी चाहे करिए मगर वो अपने मार्ग से डिगेंगे नहीं। उनका दृढ़ संकल्प है, वो सत्ता के भोग के पीछे नहीं जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय मिल जाए, वो चाहते हैं कि संसाधनों की जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। अभय जी भारत से भाग रहे हैं। अभय जी पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता कैसा झूठ बोलते हैं। अरे भाई जिन मंदिरों को आपने सरकारी संपत्ति बना दिया उनको तो देना ही पड़ेगा ना, कोई सेंस है इस बात की? पर एक भी मस्जिद है जो सरकारी संपत्ति है? बगैर सरकारी संपत्ति हुए किसी को सरकार से तनख्वाह मिलती हो तो बताइए। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कब प्रस्ताव पारित हुआ पाकिस्तान का? 1946 की प्रोविंशियल असेंबली में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली थी। खान अब्दुल गफ्फार खान कभी पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। उनका एलानिया बयान है कि कांग्रेस ने हमें भेड़ियों के हाथों में छोड़ दिया। सबसे बड़े नेता फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कहां की बात आप कर रहे हैं कि उस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में प्रस्ताव पारित हो गया? देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूं सच कितना भी हो आप लोग कितना भी उसको बचाने का प्रयास करें बचता नहीं है। इतिहास साक्षी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सत्ता की अपेक्षा देश आगे रखा है। सबसे पहली शहादत महात्मा गांधी की हुई, वो भारत के विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार को एक रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शहादत दी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने दी। इंदिरा गांधी जी भी चाहती तो कह सकती थी कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है, मगर उनकी प्राथमिकता क्या थी? उनकी प्राथमिकता थी कि जो खालिस्तान की मांग उठ रही थी, जिस पर उस समय के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस घटना के बाद जो लेख लिखा है, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, उन्होंने लेकिन इंदिरा गांधी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। नानाजी देशमुख के लेख पढ़ लीजिएगा आप। राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई भी आरोप लगाए, सुधांशु त्रिवेदी जी क्या गलत कहा मैंने बताया? 1943 का वो इतिहास उठाकर देख लीजिए, वीर सावरकर जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई, और क्या था? हमारी सरकारें बनी थी 39 के समय में सारे दौर में, लेकिन हमने बर्तानिया हुकूमत के खिलाफ शंखनाद किया और सारी सत्ताओं को त्याग दिया। उसके बाद आप लोगों ने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई जो पहले मुस्लिम लीग के साथ थे, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रजा पार्टी बना ली थी, और सावरकर जी ने मुस्लिम लीग के साथ दोनों प्रांतों में सरकार बनाई। उतना तो ठीक है साहब, 2012 में भी आपने सरकार यहाँ स्थानीय निकाय की नागपुर में मुस्लिम लीग के साथ बनाई, और यहाँ उदाहरण देते हमको पाठ पढ़ाते हिंदू धर्म का, क्या ये सही नहीं है कि सैफुल्ला फारूक दुर्दांत आतंकवादी कश्मीर का कश्मीरी पंडितों का हत्यारा जिसको सजा हुई 10 साल की, उस तो आपने कश्मीर में वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया? शर्म आनी चाहिए आपको। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था दुर्दांत आतंकवादी, उसको विधानसभा का टिकट दिया? तालिब हुसैन जो भारत के
गृह मंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा था जिसको गांव वालों ने पकड़ा, जो पाकिस्तान की परस्ती में यहां हथियार सप्लाई करता था, रियाज अटारी जिसने कन्हैया लाल की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं थे और हमको पाठ पढ़ाते हैं यहाँ, ये छद्म वेश धारण करके पोषित करते आतंकवादियों को और यहाँ हिंदू सनातन धर्म की उपमाएं देते। राम राज्य की अवधारणा क्या है? देहिक भौतिक देविक तापा, राम राज नहीं कहुई बियापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चली, सर्व धर्म सुरत श्रुति, अर्थात सभी लोगों में कोई बीमारी कोई रोग नहीं था, सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे और आपस में वैमनस्य रहित समाज में जिस प्रकार रहा जाता है रहते थे। संगति का बड़ा असर पड़ता है और आप तो बड़ा रामायण वाले, दुष्टों की संगति के बारे में कम से कम 114 पेज तक तो तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़ी वंदना की है उनकी, उनकी संगति मतलब से उनका बचे उससे बचे रहने के लिए। लेकिन राहुल की संगति किनके साथ है? जेएनयू ब्रिगेड के साथ है, मेधा पाटकर के साथ है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, और उनको ये सीख दी गई है कि देखिए आपका एक मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक दो था, जो बड़ा वोट बैंक था वो आपसे बिखर गया है, दलित एक तरफ बिखर गए हैं, तो आप लाएंगे कैसे? मुसलमानों का वोट जो 18% के आसपास का है वो कैसे आपके पास आएगा? उनको लाने के लिए वो आरती कर रहे हैं हर जगह। देखिए वो तो उनका छद्म रूप है, वो तो मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई, हाथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? आप बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने हाथ को इस तरह से रखिए, इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा, बी एंड डी, बी फॉर थोड़ी मदद रखिए, वे मैं तो तेरा मन पर आ।